हेलो नौशदीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ब्लॉग्स। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे नाना के यहाँ पे। मैं गांव आ चुका हूँ। गांव आया क्यों हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों की, जो मामा जी के लड़के हैं उनकी और मेरे बहनों की शादी है। बस आज डेट हो चुकी है 29 तारीख। तो अभी मैं पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले ही। आप तिलक देख रहे होंगे, आते ही अपना तिलक लगाए। तो गाइज, अभी बान बैठ रहा है, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं हल्दी। हल्दी का प्रोग्राम है आज। तो अभी मैं आपको अपने भाइयों से मिलवाता हूँ, नीचे हैं अभी, चलते हैं उनके पास में, उनसे मिलवाता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। वो सारे मैं आपको राजस्थानी शादी, पूरी ट्रेडिशनल शादी जो होती है राजस्थान की, वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोकल विलेजेस में कैसे शादी होती है, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ अपने भाइयों से, जिनकी शादी है, दो भाइयों की शादी है। चलिए मिलते हैं, आ जाओ। तो भाई, ये अपने भाई जिनकी शादी है, ये मानव, ये सूर्य प्रकाश। वैसे इनका नाम, ये भाई का भी नाम सूर्य प्रकाश ही है। तो इन भाइयों की शादी के लिए गाँव आया हूँ। ये वैसे मैं से छोटा है, बताऊँ, मेरे से पहले शादी में भाई कमाल है, पर ये तो बड़ा है। सूर्य प्रकाश नाम है, मेरे को ऐसा फील होगा चलो मैंने शादी कर ली। ठीक है, सूर्य प्रकाश की शादी है और मानव की शादी है। तो अभी इनका बान बैठ रहा है, हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे। पहले जो मुंडना का प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो जा रहे हैं उसके लिए, तो वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद में जो भी प्रोग्राम होगा हल्दी का, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। और भाई बताओ थोड़ा बहुत, कैसे खुशी, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, अभी सारा प्रोग्राम होता है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे चलते हैं। तो लड़के काफ़ी खुश हैं, और खुश होना भी चाहिए यार, शादी है तो खुशी तो होगी ना। बट ठीक है, अगर यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ गर्मी है, गर्मी में तो वीडियो बनेगा ही नहीं मुझे लग रहा है। इतनी गर्मी है यार बाहर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब आँख भी नहीं खुल रही है, पसीने पसीने आ गए। दो सेकेंड के लिए बाहर गया हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। राजस्थान है, राजस्थान की गर्मी आपको मालूम ही कैसी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो अभी आज बान बैठ रहा है, इसके लिए पहले यहाँ पे पूरी लेडीज लोग वहाँ गेट तक जाते हैं। तो अभी आपको मैं बाहर का दिखाता हूँ। इसको कहते हैं मोंदना भदारना, वो आप हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, पर ये सब यहाँ गए हुए हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर से भी वीडियो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। और तो कुछ होना होगा, सारे के सारे लेडीज, सभी कैमरामैन बने हुए हैं। तो ये चल रहा है हल्दी का प्रोग्राम है। यहाँ पे ये हल्दी है सामने रखी हुई, और ये हल्दी अभी कुटी जाएगी, फिर उसके बाद में इन पर लगाई जाएगी, इनको गोरा किया जाएगा। अभी थोड़ा काला रंग आ रहा है इनमें, और वो वहाँ पे बहन सबको रखड़ी दे रही है, जो हाथ में बांधते हैं सभी लेडीजों को। तो भाई, ये सारे जो राजस्थानी हल्दी के प्रोग्राम में जो काम होते हैं वो सारे बनाए जा रहे हैं इसमें। देखिए नीचे सारे, मेरी आवाज़ तो आपको आएगी, ये सब गीत गा रहे हैं, इनकी आवाज़ आएगी, तो इनकी आवाज़ सुनिए, और उसके बाद में जो भी होगा मैं सारा डिटेल में आपको बता दूंगा, आप इन्हीं की आवाज़ सुनिए। तो ये सबको गुड़ बांटे जा रहे हैं, जो जो गीत गाने के लिए आते हैं उन सबको गुड़ दिया जाता है। ये दीदी हैं, गुड़ बांट रहे हैं सबको। बाकी इन सबसे मैं मिलवाऊँगा आपको बाद में, इनका परिचय मैं आपको बाद में दूँगा। ये यहाँ का एक रिवाज होता है, वो सात लेडीजों के धागे हाथ पे बांधे जाते हैं, जो हल्दी से किए होते हैं पीले, तो वो सबको बांधे जा रहे हैं। ठीक है।
अब लगाई जाएगी इनको हल्दी, जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं पिट्ठी। पिट्ठी लगाई जाएगी जो माथे पे लगती है और यहाँ कंधों पे और हाथ पे लगती है, वो भी पिट्ठी लगाएंगे सब। तो पिट्ठी का प्रोग्राम होगा अभी, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी पिट्ठी लगेगी और उसके बाद में बन रहे अपने दूल्हे गोरे हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा उससे गोरा अपना था इसलिए बनते, तो वो भी लगाई जाएगी। ये पिट्ठी लगाई जा रही है, देखिए पहले पैरों पे, फिर हाथों पे, उसके बाद में कंधों पे लगाई है और लास्ट में सर पे लगाई है। पहले वैसे ज़्यादा लगाते थे पर अब धीरे धीरे थोड़ा कम करने लग गए। ये देखो, अरे मारे इन नहीं अभी ना, चलता रहो अपने वीडियो बनाए। वो कहना पड़ रहा है कि सामने देखो वीडियो में आना, कह के वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी हल्दी का प्रोग्राम हो गया है और पिट्ठी लग चुकी है आज की पहली, अब रोज़ाना लगती है। और ये है मेरे मामा जी जो सूर्य प्रकाश भैया हैं, उनके पापा हैं ये, उनका नाम। और शादी हो रही है मामा जी, भैया की शादी। हाँ भैया, सब खुश एकदम, सब मजे, खुश एकदम मजे हैं। तो अभी मैं आपको सारे मामा जी और सबसे मिलवाऊँगा आपसे, जो भी दीदी हैं भैया हैं उन सबसे मिलाऊंगा। परिवार देखना हमारा परिवार कितना बड़ा है, पूरी इंडिया की टीम है हमारी जी, पूरी इंडिया की। नाना जी ने काम तो एक बार ऐसा कर दिया था, विराट कोहली कोई खेलने वाले थे ही नहीं, हमें मामा जी और भेजने वाले थे, पर हमने कहा चलो बच्चे हैं उनको खेलने दो। क्यों मामा जी हैं? हाँ चलो ठीक है जी। ये अपने सबसे बड़े वाले मामा जी, मामा जी का नाम, ये अपने सबसे बड़े वाले मामा जी, इनकी हाइट एक बार खड़े ना जी। देखो हमारे मामा जी की हाइट हमारी सबकी लंबी है, देखो मैं से कितने लंबे जा रहे हैं, तो लंबाई काफ़ी अच्छी खासी है। ये अपने बड़े वाले मामा जी हैं, सबसे बड़े वाले मामा जी। तो अभी उनका पिट्ठी का प्रोग्राम होएगा, इसमें हल्दी पूरी एकदम रगड़ के लगाएंगे, अभी तो कम लगाई थी, अभी रगड़ के पूरा लगाएंगे। तो अभी वो भी प्रोग्राम हो रहा है अंदर, और उसके साथ में आपको मैं सबसे मिलवा देता हूँ दीदी और उसे अपनी। ये हमारी सिस्टर्स सारी, ये सबसे बड़े वाले दीदी हैं, और इन दो बहनों की दो दिन के बाद शादी है, मतलब भैया के बाद इनकी शादी है। तो ये सारी दीदियाँ हमारी, ठीक है, हाय कर दो भाई सब। ऑल टोटल कौन नहीं बर्तन छोड़, ठीक है। ये हमारे मामी जी जो छोटे, सबसे छोटे वाले मामी जी हैं, उनसे एक नंबर ऊपर वाले राधा मामी जो संगरूर में पंजाब में रहते हैं। वैसे इनका काम अभी देर का साफ सफाई का, थोड़ा वो बात अलग है। अभी यहाँ पे चल रहा प्रोग्राम, उसमें पिट्ठी पीसी जा रही है, उंगली और जो है सब कुछ उनको पीसा जा रहा है यहाँ पे।
अब की बार तो जो उनको पिट्ठी लगाई है ना, एकदम पूरा पीला ही पीला कर दिया उनको, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या आपको दिखा था, आप पहचान नहीं पाते। मैंने कहा रन तो छोड़ो यार, वो कहेंगे दूल्हे हैं और ऐसे दिखा रहे हो। मैं नहीं दिखा, पिट्ठियों बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, पूरा पीला पीला कर देते हैं, रगड़ रगड़ के पूरा मेल उतार देते हैं। भाई रात में अभी लगभग 12 बज रहे हैं और 5 बजे के आसपास दिन में लाइट गई थी, जो लास्ट हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था उसके बाद में लाइट गई, अभी तक नहीं आई है। गहलोत सरकार कर क्या रहे हो तुम, पूरे 6-6 घंटे लाइट यार, 6-7 घंटे हो गए हैं, 6-7 घंटे। ये हाल है उस राजस्थान का, इस वजह से मैं कुछ और शूट नहीं कर पाया, बाकी कल देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो का एंड करते हैं। चलिए ठीक है गाइस, वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखें, हम भी अपना ध्यान रखें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाय बाय। तेरा पहुंच गया परेशान तो हिसाब।